बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं अल्लाह, मेरे रसूल, मेरे महरूम वालिद, मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरे बहन और तमाम मेरी नामपल्ली की आवाम और खुसूसी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, रेवंत रेड्डी जी और कांग्रेस पार्टी, आपने मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। 2009, 2014, 2018 मैं आपके बीच में आया हूँ और आप कभी भी फिरोज़ खान को अपना बेटा, अपना भाई, अपना बच्चा समझ के आप लोग वोट डाले। हर वक्त फिरोज़ खान सेकंड पोजीशन पे आया, हक और ईमान के हलाल के वोटा फिरोज़ खान को गिरे और उसके बाद में आज सारी दुनिया को पता चल गया कि किस बुनियाद के ऊपर फिरोज़ खान चुनाव हार रहा। फिरोज़ खान चुनाव हार रहा क्योंकि नामपल्ली के अंदर बोकस वोट है। जब हम पहले बोलते थे तो आवाम को समझ में नहीं आता, मगर ये टाइम पे हम पूरे बोकस वोटों के प्रूफ रख दिए थे और उसके बाद जब हम 1 लाख प्रूफ रखे, 40,000 वोट डिलीट हुए और 50 से 60 हज़ार वोट है। और उसके साथ साथ ये जो पार्टी है जो आज जीत रही हमारे पे, वो बीजेपी को साथ लेके लड़ती, बीआरएस को साथ लेके लड़ती, बोकस वोटों के साथ लड़ती, लास्ट डे गुंडागर्दी करती, पुलिस मशीनरी को पूरा यूज़ करती, मुख्यमंत्री ऑफिस को यूज़ करती, ये तमाम चीज़ें करे बाद भी हक और ईमान के और हराल वोटा लेके फिरोज खान कभी भी सेकेंड आते। आज चौथी टाइम आपके बीच आया हूँ, एक ही मेरा नारा है कि नामपल्ली के अंदर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और आज शुरुआत है, नॉमिनेशन डाल के आया हूँ। आप जैसा जानते हैं पूरी मेरी ज़िंदगी में वक्त कर दिया, मेरे सर के ऊपर मेरे वालिद का साया चले गया। आज से 1 साल पहले मेरी बेटी मर गई, आज कोई भी नहीं है मेरे पास। मेरी एक वालदा है 75 ईयर्स की, मेरी बीवी है, मेरा भाई है, मेरा छोटा ख़ानदान है, मगर मैं कभी भी नामपल्ली को अपना ख़ानदान मान के चला। हर कोई बोले आप नामपल्ली छोड़ देना था, किधर और जाके लड़ लेना था, बोला नहीं, मैं यहाँ पे आया सिस्टम को बदलने। मैं यहाँ पे जीत के लिए नहीं आया, विक्ट्री के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे हिस्ट्री के लिए आया, इतिहास के लिए आया। जो तकलीफ़ मेरे को हो रही बोकस वोटों में गुंडागर्दी से, आने वाली नस्ल को ये तकलीफ़ नहीं आना। सिस्टम बदलने को आया, जब मैं माना कि नामपल्ली मेरा घर है, मैं नामपल्ली को छोड़ के कैसा जाऊँगा। तो आज मैं सामने वाली पार्टी को ये बात बोलना चाह रहा हूँ, अहल फैल बात करना आप छोड़ दो, क्योंकि अगर से आप ए बोले मैं बी बोलूँगा, आप डी बोले तो मैं एस बोलूँगा, आप एक्स बोलते मैं जेड बोलूँगा। बातचीत से क्या है, तोमतों से क्या है, आवाम का क्या फ़ायदा है, आवाम का क्या फ़ायदा है, ये बता रहा हूँ मैं। और शुरू करने से पहले असदुद्दीन और उनकी पूरी टीम को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई तुम भी आवाम के लिए आए, मैं भी आवाम के लिए आया, पर्सनल तुम्हारा मेरा कुछ भी नहीं है, तो मेहरबानी करके पर्सनल नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर से तुम पर्सनल जा सकते तो मैं भी पर्सनल जा सकता हूँ। तुम्हारे पास जितनी हिम्मत है उतनी हिम्मत मेरे पास है, थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा वो अलग बात है। तो आज जब जिक्र निकला तो मैं कांग्रेस पार्टी से 6 गारंटीज लेके आ रहा हूँ आपके पास। मेरी फाइल क्या है, 6 गारंटीज कांग्रेस पार्टी के। पहली गारंटी, 2,500 रुपये हर एक औरत को, खवातीन को तनख्वाह के वैसा देंगे, 500 रुपये गैस, खवातीन को तेलंगाना के अंदर फ्री ट्रांसपोर्ट। और जो आपके वालिद वालदा है सीनियर सिटीजन, उनको 4,000-4,000 रुपये आश्रा पेंशन, आरोग्यश्री 10 लाख। अब हमारे को
गांधी उस्मानिया जाने की फिक्र नहीं है, हम अपोलो और विरिंची